सीधे हम लोग स्वर्ग में जा रहे हैं ऊपर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और कल मैंने आपको जैसा कहा था कि मैं सुबह होते ही आपको बालकनी में से समुंदर का व्यू दिखाऊंगा, तो अभी सुबह के 6:15 बज रहे हैं और आप देखो ये जो समुंदर का व्यू है वो कितना प्यारा नज़र आ रहा है। ये देखो, ये बालकनी में से पूरा समुंदर दिखाई दे रहा है। ये 25 स्टोरी बिल्डिंग है और हम लोग अभी 9th फ्लोर पे हैं, लेकिन ये व्यू देखिए आप, यहाँ पूरा जो बीच है वो एंड तक, और बीच बहुत बड़ा है भाई, एकदम वहाँ तक है बीच और बहुत सुंदर। और अभी सुबह के 6:15 बज रहे हैं, लोगों ने स्विमिंग भी चालू कर दी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप देखो लोग अभी 6:15 बजे समुंदर में डुबकी लगा रहे हैं। और ये रास्ता भी देखो कितना प्यारा रास्ता ही है, वियतनाम बहुत सही है। जब मैं वियतनाम आ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि वियतनाम क्यों, तो वियतनाम इसलिए क्योंकि वियतनाम सस्ता है। जी हाँ, हम गोवा जाते हैं अगर, और गोवा अच्छे से घूमते हैं तो शायद उतना ही खर्चा हो जाएगा जितना वियतनाम में हो रहा है। दूसरा, यहाँ से अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट है वियतनाम के लिए, हनोई से, होचिनमिन सिटी से। और तीसरा, ये लोग वीज़ा बहुत आसानी से देते हैं, 3 दिन में इसका वीज़ा आ गया था। तो यही सारे कारण है वियतनाम आने के लिए। बहुत अच्छी कंट्री है, लोग बहुत फ्रेंडली हैं, हॉस्पिटैलिटी जो इनकी है वो ज़ोरदार है, आपको ऐसी खातिरदारी जो है वो कहीं नहीं मिलेगी। ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत सही जगह है, आप देखो। वेजिटेरियन के लिए ऑप्शन कम है, लेकिन सीरियल, ब्रेड, फ्रूट्स, जूस, कैफे, लाते, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। टेक्निकली दनांग में 2 नाइट का स्टे है, लेकिन टूर जो है वो 1 दिन का ही होने वाला है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि लोग सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं और बियर का कल्चर है, सिगरेट और बियर चारों तरफ। यहाँ पे मैं लोगों को देख रहा हूँ सिगरेट पी रहे हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी टूर गाइड ने कल फ़ोन किया था कि शायद बारिश आ सकती है, तो यहाँ होटल से ये छाता ले लिया हम लोगों ने, शायद दोपहर के बाद बारिश आ सकती है तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। 8 बज रहे हैं अभी सुबह के। कल सुबह जो है वो मैं निकल जाऊंगा होचिनमिन के लिए, और होचिनमिन वहाँ पे 3 दिन का स्टे है, उसके बाद वापस अहमदाबाद जाना है। तो यहाँ पे दनांग में जो है वो सिर्फ 1 दिन ही है, आज का दिन है। आज बाना हिल्स जाना है और बाना हिल्स से वापस आके होटल, और शाम को सामने जो बीच दिखाई दे रहा है शायद वहाँ पे जाऊँगा, और उसके बाद कल सुबह होचिनमिन और होचिनमिन से अहमदाबाद। वैन आ गई है, इस वैन में बाना हिल्स जाना है, तो चलो बैठ जाते हैं। तो पहुंच गए बाना हिल्स, और मेन चीज़ जो यहाँ पे हमारे टूर गाइड ने बताई कि जो वेदर है वो बहुत धोखेबाज हो सकता है। यहाँ 1 दिन में आपको 4-4 वेदर देखने मिल सकते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, सब कुछ 1 दिन में ही आपको देखने मिल सकता है। आपको मालूम होगा कि फ्रेंच लोगों ने बहुत साल तक वियतनाम पे शासन किया, और जब वो लोग यहाँ पे थे तो उनको आराम करने के लिए कोई जगह चाहिए थी, और उन्होंने बाना हिल्स को इस चीज़ के लिए चुना। यहाँ पे बहुत सारे बनाना ट्रीज थे, इसलिए उन्होंने इस जगह का नाम रखा बनाना हिल्स, और वियतनामीज लोगों ने इस चीज़ को कहा बाना हिल्स, तो बाना हिल्स का नाम इस तरह से बाना हिल्स पड़ा है। और जब फ्रेंच चले गए यहाँ से, तो वियतनामीज लोग जो हैं वो इनकी कोई भी चीज़ रखना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने बाना हिल्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अभी हाल में ही 2007 में यहाँ का एक ग्रुप है सन ग्रुप, इसने इस जगह को पूरा डेवलप किया। वियतनाम वालों ने तो इसे पूरा बर्बाद कर दिया था, क्योंकि फ्रेंच लोगों का वो कुछ भी चीज़ रखना नहीं चाहते थे, लेकिन सन ग्रुप ने इसे फिर से बनाया 2007 में, और अभी ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। अभी मेरी टूर गाइड बता रही थी कि यहाँ जब वियतनाम में छुट्टियाँ होती हैं तो 1 दिन में 30,000 लोग, जी हाँ 30,000 लोग यहाँ पे 1 दिन में आते हैं, तो आप सोच लो कितनी भीड़ होगी। आज मंडे है फिर भी भीड़ तो यहाँ पे नज़र आ ही रही है। ऊपर आप देखो वो केबल कार जा रही है, और पूरे बादल हैं ऊपर। तो इन्होंने बोला था कि आप जो है छाता ले लेना साथ में, तो हमने होटल से छाता ले लिया है, शायद उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आज हम भी 1 दिन में 4 वेदर देख सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। पूरा ग्रुप है हमारे साथ में,
जो हमारे साथ में आए हैं और भी जो लोग हैं इंडिया से ही हैं बहुत सारे, और सभी जाएंगे ऊपर। हमारी टूर गाइड जो है वो झंडा लेके चल रही है आगे आगे, तो उसके साथ जाएंगे हम लोग ऊपर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये सारे टूर वाले अपना झंडा लेके खड़े हैं यहाँ पे, ये एक झंडा उधर दो झंडे, और हमारी टूर वाली यहाँ पे अपना झंडा लेके खड़ी है, आप देख लो। टिकट्स टू प्लीज, फॉर यू, थैंक यू, यस यू वेलकम। ये टिकट लेके आ गई हमारा, जाएंगे ऊपर थोड़ी देर में केबल कार लेके। कुंदन मैन टिकट केबल कार। स्टारबक्स माता हम लोग जा रहे हैं केबल कार की तरफ, और रास्ते में ये सारी चीज़ें हैं, शॉप्स, और जैसा कि हर टूरिस्ट प्लेस पे होता है, थोड़ी देर में पहुंचेंगे केबल कार की तरफ। जैसा हमें बता रही थी वैसी भीड़ तो नहीं है, और झंडे ही झंडे नज़र आ रहे हैं चारों तरफ। ये लगभग पांचवा एस्केलेटर होगा जिसमें हम लोग जा रहे हैं, नीचे से चार एस्केलेटर हो गए और ये पांचवा है, आप देखो बाहर। बैठ गए केबल कार में, आठ जन है ना। ये बता रहे थे कि बारिश हो तो चलती है, लेकिन अगर थंडर स्ट्रॉन्ग हो तो बंद कर देते हैं, तो फिर एक घंटे दो घंटे जब तक रुकता नहीं, सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक इसको बंद करके रखते हैं। बादल है चारों तरफ, बहुत सुंदर है। सीधे हम लोग स्वर्ग में जा रहे हैं ऊपर। वियतनाम में स्वर्ग नहीं, स्वर्ग नहीं होता है ना, क्या होता है वियतनाम में? हेल होता है। यहाँ पे दो हेल होते हैं, एक अच्छा वाला हेल और एक बुरा वाला हेल। एंग्री मैन एंड हैप्पी मैन। ये देखो पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, देखो पूरा एकदम बादलों के बीच में आ गए हम लोग। हमारी झंडे वाली नहीं, पता नहीं किधर गई। यहाँ वेदर अच्छा है, शायद यहाँ एसी चालू है, पता नहीं वेदर, लेकिन यहाँ पे अच्छा लग रहा है। नीचे बहुत ह्यूमिड था, यहाँ पे सही है। ये देखो आप कितना खुशनुमा है वेदर, और बादलों के बीच में पूरा। हमारी टूर गाइड जो है उनका फ़ोन खो गया है, शायद फ़ोन मिल नहीं रहा है, केबल कार में रह गया, और केबल कार नीचे चली गई, तो पता नहीं क्या होगा, देखते हैं अभी।